आपको बता दें कि एक कार दिल्ली की नहर में गिर गई। कार में बैंक के 3 कर्मचारी सवार थे। कार युवती चला रही थी नहर के पास, वह अपना अचानक से संतुलन खो बैठी और कार नहर में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों ने एक युवती व एक युवक को कार से बाहर सुरक्षित निकाल लिया, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती नहीं निकल पाई। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह एक्सिस बैंक में काम करने वाली सेल्स ऑफिसर रितु सौदापुर में किसी विक्की नाम के शख्स का बैंक खाता खुलवाने आई थी। रितु यहां पर ऑटो में सवार होकर आई थी। वहीं रितु खाता खुलवाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने सहयोगी राहुल और परिधि को कॉल करके कहा कि वे दोनों उसे लेने के लिए आ जाएं। वहीं राहुल और परिधि रितु को लेने पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल और परिधि दोनों रितु को लेने पहुंचे। वापसी में परिधि ने राहुल से जिद की कि वह कार चलाएगी। राहुल और रितु ने मना भी किया। उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी चलाना सीख रही हो, एक्सपर्ट नहीं हुई हो, अभी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में मत चलाओ, मगर परिधि मानी नहीं। इसके बाद परिधि ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और राहुल और रितु भी गाड़ी में सवार हो गए। अभी गाड़ी चला ही थी कि परिधि अपना संतुलन खो बैठी और गाड़ी नहर में जा गिरी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।